बुलंद हौसले की मिसाल बनी इशिता राठी, बिना कोचिंग किए क्रैक किया यूपीएससी एग्जाम, माँ है एसआई और पिता हेड कांस्टेबल। नमस्कार, मेरा नाम प्राची है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेटी न्यूज ओनली ट्रुथ। यूपीएससी की परीक्षा दुनिया की सबसे टफ परीक्षा में से एक माना जाता है। इसे पास करने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन इसे पास केवल चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि इसे पास करने के लिए दिन रात मेहनत जो करनी पड़ती है। इसके साथ ही लगभग हर विषय का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर कोई यूपीएससी परीक्षा को पास कर लेता है तो आसपास के इलाके में उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। साथ ही ये भी बता दें कि सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनकी रैंक और वरीयता के आधार पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि पद अलॉट किए जाते हैं। वहीं इसी बीच आज हम आपको एक ऐसी ही आईएएस महिला की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के ही सबसे मुश्किल परीक्षा को पार कर लिया। तो आइए जानते हैं कि क्या है आईएएस इशिता राठी की कामयाबी की कहानी। इशिता राठी की निजी जिंदगी यदि बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं। उन्होंने साल 2021 में यूपीएससी क्रैक किया था और 8वीं रैंक प्राप्त की। वहीं इशिता के पिता आईएएस राठी हेड कांस्टेबल और माँ मीनाक्षी राठी दिल्ली पुलिस में एसआई हैं। इसी तरह यदि बात इशिता की पढ़ाई की हो तो उन्होंने अपनी पढ़ाई में नई दिल्ली से की है। बता दें इशिता ने डीएवी पब्लिक स्कूल बसंत कुंज से अपनी स्कूलिंग की है और इसके बाद उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई के लिए इशिता के मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। आईएएस बनने से लेकर इशिता का कहना है कि किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको एक लक्ष्य की आवश्यकता जरूर होती है और बिना लक्ष्य के आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही इशिता ने टॉपर बनने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई, जिसे फॉलो कर उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें।